केरल का मशहूर सबरीमाला मंदिर, जहां पर भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए भक्तों को कड़ा व्रत रखकर उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं भगवान अयप्पा का एक चमत्कारी मंदिर लखनऊ में भी है। जी हाँ, यह मंदिर लखनऊ शहर के विनीत खंड गोमती नगर में भी स्थित है और इसका निर्माण 1982 में यहाँ किया गया था। कौन है लॉर्ड अयप्पा? लॉर्ड अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर पात हो गया। उनके वीर को पारत कहा गया। उनके वीर से ही बाद में सशत्व नाम का पुत्र हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। मान्यता है कि अयप्पा स्वामी का जन्म महिषासुर की बहन महिषी का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र के द्वारा ही मारी जाएगी। ऐसे में पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शिव को मोहित किया। भगवान शिव और भगवान विष्णु से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा एक ही हैं। कार्तिकेय भगवान शिव और माँ पार्वती की संतान है। स्वामी अयप्पा और कार्तिकेय एक नहीं हैं। भगवान कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं, वहां स्वामी अयप्पा बाघिन की सवारी करते हैं। स्वामी अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिवजी ने उनके गले में स्वर्ण कंठिका पहनाकर इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया, जिसके बाद पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया। राजा संतानहीन थे, ऐसे में उन्होंने पुत्र की तरह स्वामी अयप्पा का लालन पालन किया। वर्तमान में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। कुछ समय बाद जब राजा राजशेखर की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब रानी का व्यवहार स्वामी अयप्पा के लिए बदल गया। राजा स्वामी अयप्पा को बहुत स्नेह करते थे, इसलिए रानी को डर था कि कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही ना दे दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक कर अयप्पा तक सूचना पहुँचाई कि वह केवल बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। इसके पीछे वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की उनकी चाल थी। जब स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए, तब वहां महिषी ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन स्वामी अयप्पा ने उसका वध कर दिया और माँ के लिए बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए बाघिन ही ले आए। ऐसे में लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते देखकर हैरान रह गए और सभी स्वामी अयप्पा के जयकारे लगाने लगे। राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। ऐसे में स्वामी अयप्पा ने अपने पिता को परेशान देखकर राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसे में जब पिता अनुरोध करने लगे, तब उन्होंने पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कही और स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के लिए अपनी यादें छोड़ना था। राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण कराया और भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया, जिसे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे खुद जलाते हैं। इसे मकर ज्योति का नाम दिया गया है। लखनऊ स्थित लॉर्ड अयप्पा स्वामी मंदिर बहुत ही साफ सुथरा पावन स्थल है। यहाँ का माहौल आपको यहाँ बार बार आने पर विवश कर देगा। इस मंदिर प्रांगण में एक अद्भुत देवी ऊर्जा है, जो आपको पॉजिटिविटी के साथ तरोताजा कर देगी।
मान्यता है कि अगर भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर और व्रत रखकर यहाँ पहुंचकर दर्शन करें तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान अयप्पा को तुलसी और रुद्राक्ष की माला बहुत प्रिय है, यहाँ के नियम केरल के सबरीमाला मंदिर के जैसे ही सख्त हैं। यहाँ पर किसी भी देवी देवता की फोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है। गर्भगृह में भी यहाँ के पुजारी के अलावा कोई भी भक्त नहीं जा सकता। आप किसी भी मूर्ति को छू भी नहीं सकते। यही नहीं, यहाँ महिला हो या पुरुष, सभी को पूरे शरीर ढके हुए ही कपड़े पहने होने पर ही अंदर प्रवेश मिलता है। यही नहीं, आप बाहर का कोई भी प्रसाद या सामान नहीं चढ़ा सकते। यहीं से आपको दो केले और नारियल का प्रसाद मिलेगा जो भगवान को यहाँ अर्पित किया जाता है। कहते हैं उनके सामने आकर एक बार जिसने अपना सर झुका दिया उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में प्रवेश से पहले एक बड़ा स्तंभ दिखता है जो भगवान की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद बीच में नाभि बनी हुई है। इन दोनों के दर्शन करने के बाद ही लोग अंदर विराजमान भगवान अयप्पा के दर्शन करते हैं। भगवान अयप्पा के चारों ओर मंदिर के अंदर और बाहर बॉडीगार्ड के रूप में पिंडियां बनाई गई हैं जो उनकी रक्षा करती हैं। पूरा मंदिर हाथी के आकार में बनाया गया है। दक्षिणी भारत के नियम को यहाँ अपनाया जाता है। पुजारी को भी कोई नहीं छू सकता। इस मंदिर में सभी मूर्तियां काले पत्थर की हैं। यहाँ आरती सिर्फ कपूर से की जाती है। यहाँ नवग्रह, हनुमान जी, भगवान राम, गणेश जी और दुर्गा माँ के अलावा काल सर्प, नाग नागिन भी मौजूद हैं, जिनकी पूजा अर्चना होती है। भगवान अयप्पा के मंदिर को गर्मियों में सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है, फिर सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया जाता है, शाम को 5:30 बजे खोला जाता है और 8:30 बजे बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में यह मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और 11 बजे बंद किया जाता है, फिर 5 बजे खुलता है और 8 बजे बंद हो जाता है। शनिवार को 8:30 बजे बंद किया जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक रुद्राभिषेक भी होता है जिसमें 351 रुपये की पर्ची कटती है, बस बाकी सारी तैयारी पुजारी करते हैं। यहाँ कई प्रकार की पूजा कराई जाती है जैसे नवग्रह शांति, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप इत्यादि। तो अगर अभी तक आपको इस अद्भुत मंदिर के बारे में नहीं पता था तो अब पता चल गया है। इसलिए एक बार लॉर्ड अयप्पा के दर्शन करने जरूर जाएं, और जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो अपने अनुभव कमेंट करके हमें जरूर शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।